So Inshallah, today we will cover chapter number 11. Chapter number 11 jo hai, talks about installing and configuring printers. In this, we will basically cover and uh, the objectives will be to identify basic printer functions, distinguish between classes of printers, explain printer technologies, explain the laser printing process, जो लेजर प्रिंटर होते हैं ना उसकी इंस्टॉल एंड मैनेज प्रिंटर ड्राइवर्स इन विंडोज थोड़ा मैं इसका डेमो दे दूंगा आपको कि प्रिंटर ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होते हैं व्यू एंड इंस्टॉल विंडोज फोन्स एंड ट्रबल शूट प्रिंटर प्रॉब्लम्स ठीक है नाउ वट इज़ ए प्रिंटर प्रिंटर्स आर इलेक्ट्रोमिक मेकेनिकल आउटपुट डिवाइस दैट आर यूज टि पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू पेपर किसी चीज को हार्ड कॉपी में आपको कन्वर्ट करना हो कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक से हार्ड कॉपी में प्रिंटर वो करता है दैट्स द फंक्शन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ प्रिंटर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यू सी देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर ठीक है अब बेसिक प्रिंटिंग फंक्शंस बेसिकली वट होता क्या है सो फर्स्ट इट रिसीव द डेटा फ्रॉम द पी सी थ्रू एन आई ओ इंटरफेस ये आईओ इंटरफेस वो होता है जो प्रिंटर से कनेक्टेड होता है वी आई यू एस बी और हैव ठीक है इट स्टोर्स द डेरा इन प्रिंटर रैम जो उसको प्रिंट करना होता है वो टेम्पररी प्रिंटर की जो रैंडम एक्सेस मेमरी होती है उसके अंदर उसको टेम्पररी सेव करता है देन इट कन्वर्ट्स द डेरा इन प्रिंट इंस्ट्रक्शंस फिर वो जो रैम के अंदर डेटा होता है उसको कन्वर्ट करता है उसके प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शंस में और फिर इट फीड्स द पेपर इन एंड आउट वो जो इंस्ट्रक्शंस वो है वो पेपर के ऊपर उसको फीड करना शुरू कर देता है स्टोर एंड डिस्पेंस इंक और टोनर टोनर और जो इंक होती है उसके थ्रू वो प्रिंटर के ऊपर छापना शुरू कर देता है एंड देन वो ट्रांसफर्स द इमेज ऑन टू द पेपर ये बेसिक फंक्शन है प्रिंटर कैसे काम करता है अब अलग अलग किस्म के प्रिंटर होते हैं वन ऑफ द प्रिंटर इज कॉल्ड लाइन प्रिंटर इट प्रिंट्स जॉब प्रिंट जॉब स्टिल स्पूलिंग टू द प्रिंटर एज द पेज प्रिंटिंग रिक्वायर्स वेरी लिटल रैम ऑफ इट्स ओन एग्जाम्पल इज इंक जेट डॉट मेट्रिक्स एंड डेजी व्हील इसमें से डेजी व्हील एंड डॉट मेट्रिक्स अब ज्यादा यूज नहीं होते हैं इंक जेट अभी भी यूज होते हैं लाइन प्रिंटर वट इज़ इट सो हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि आप देखें <coughs> ये जो है डेटा फॉर लाइन नाइन राइट ये कंप्यूटर यहाँ पे कहीं पे लगा होता है यहाँ से जो डेटा आता है नाइन एट सेवन और जैसे जैसे वो डेटा आता रहता है वो आपकी मेमोरी के अंदर सेव करता है फिर वो मेमोरी जो है वो लाइन बाय लाइन ये देख रहे हैं आप लाइन वन फिर लाइन टू लाइन बाय लाइन वो पेपर के ऊपर प्रिंट करता रहता है दिस इज दिस इज कॉल्ड लाइन प्रिंटिंग जो डेटा पहला पहले आता है उसको मेमोरी में डालता है मेमोरी फिर उसको टोनर के अंदर आगे भेजता है सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन प्रिंटर पेज प्रिंटर क्या है ठीक है ना इंटायर पेज कलेक्ट्स इन प्रिंट रैम इन प्रिंटर रैम ओके देन इज ट्रांसफर टू द पेपर आप प्रिंट का बटन दबाते हैं कंप्यूटर के अंदर तो ये लाइन बाय लाइन उसको मेमोरी में नहीं डालता है पूरा का पूरा जो पेज होता है ना वो पूरा का पूरा मेमोरी में स्टोर करता है इसके लिए आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए जैसे लिखा हुआ है ना रिक्वायर्स मोर रैम देन अ लाइन प्रिंटर बिकॉज इट मस्ट होल्ड द मोर डेरा एट अ टाइम एग्जाम्पल इज लेज़र एंड एल जो लेज़र प्रिंटर होता है ना वो सारा का सारा डेटा पहले ले लेता है और फिर उसको छापता है तो लेज़र प्रिंटर में आप लोग आप चेक करेंगे कभी भी उसकी जो मेमरी होती, होती है ना वो ज़्यादा होती है हाउ इज दैट वर्क इट वर्क लाइक दिस यहाँ से जो डेटा आया इनकमिंग वो डेटा जाता है फर्स्ट प्रिंटर वेस्डिल देफ़ और इंटायर पेज हैज़ बिन रीच इन टू रिसीव इन टू रैम तो प्रिंट कंप्यूटर से जो डेटा आता है वो सारा मेमोरी के अंदर सेव होता है पहले तो so, आप देखेंगे लेजर प्रिंटर भी होगा ना थोड़ी देर वो स्पूलिंग कर रहा होगा स्पूलिंग से मुराद ये है कि वो मेमोरी के अंदर सेव करेगा अगर आप हंड्रेड एम की कोई फाइल प्रिंट करेंगे उसको काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वो मेमोरी के अंदर सेव होगा ठीक है फिर नेक्स्ट वो क्या करता है प्रिंट प्रिंटर सिग्नल्स टू पेपर फीड टू ड्रॉ अप ए पीस ऑफ पेपर फ्रॉम अ ट्रे तो सेकंड स्टेज यह होता है मेमोरी के अंदर से वो उसको प्रिंटर को सिग्नल देता है कि पेपर खींचे पेपर पेपर खींचने के बाद थर्ड स्टेप ये होता है कि प्रिंटर ट्रांसफर पेज टू अ पेपर एट वंस एक साथ वो अंदर ड्रम लगे हुए होते हैं वो ड्रम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली जो पूरा पेज होता है ना वो ड्रम के ऊपर छप जाता है एंड देन पेज जो है उस ड्रम के थ्रू गुजरता है जैसे ही तो वो उसके ऊपर छप जाता है एंड इट्स खाइनल लाइक अ हीट प्रेस वो ड्रम गरम होता है वो गरम गरम जो फॉन्ट्स जो उसमें होते हैं ना चिपक जाते हैं एंड देन इट कम्स आउट द फोर्थ स्टेप इट रिजेक्ट पेपर प्रिंटेड पेपर सो वो हमें फाइनल कॉपी वैसे मिलती है इंक और टोनर इंक जो है लिक्विड इंक इज यूजली स्प्रेड ऑन टू पेपर और जो इंक जेट पेपर होते हैं ना वो स्प्रे होती है छोटी 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 ऐसी स्प्रे होती है उससे वो पूरा इमेज बनता है टोनर जो कि ड्राई टोनर होता है ना वो यूजली होता है पाउडर होता है अंदर वो कैसे इमेज बनाता है ट्रांसफर्ड टू पेपर विद इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड देन फ्यूज विच इज मेल्टेड टू देपर विद हीट जैसे मैंने अभी बताया ये ड्राई टोनर जो होती है ना वो पाउडर होता है टोनर के अंदर कभी आप देखेंगे ना ऐसे ऐसे जैसे हिलाएंगे ना तो पाउडर निकलेगा उसमें से कलर वाला रेड मेजेंटा जो भी है सायन अलग अलग कलर के पाउडर बनाते हैं और ये चार कलर हैं जो सारे दुनिया के कलर बनाते हैं ब्लैक सायन विच इज कल लाइक अ लाइट ब्लू मेजेंटा विच इज़ लाइक अ पिंक येलो एंड ब्लैक ये चार कलर सारे कलर बनाते हैं फिर वही प्रोसेस इलेक्ट्रिकल चार्ज इसको होता है जो मैंने बताया ड्रम के ऊपर वो चिपक जाता है और ड्रम जो है उसको हीट करके पेपर के ऊपर चिपका देता है तो ये टोनर ड्राई टोनर ऐसे काम करती है इंक रिबिन अब ये यूज नहीं होती है बट आई विल टेल यू काफ़ी एयरपोर्ट के अंदर ये अभी भी यूज़ हो रही है इंक रिबिन आगे जाके इसकी पिक्चर आएगी इज बट वट इट डज पिन और हैमर्स स्ट्राइक द रिबिन मार्क ऑन द पेपर बिहाइंड इट तो बेसिकली एक रिबन जैसी होती है उसके अंदर पीछे से एक मार्क जैसा जोर जोर से जैसे टाइप राइटर होता है ना वैसे जोर जोर कट 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 आएगा और पेपर के ऊपर वो छापता जाएगा लेकिन कार्बन कॉपी अगर कार्बन कॉपी का आइडिया हो ना इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट इंपैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक्स रिबन फिजिकली ओनली एन इंपैक्ट प्रिंटर इज एबल टू प्रिंट ऑन मल्टी पार्ट फॉर्म सच एज कार्बन पेपर जैसे मैंने अभी बताया कार्बन पेपर जो है ना उसको यू नीड सम टाइप ऑफ सम्पैक्ट जैसे हम कभी चेकबुक साइन कर रहे होते हैं पेन दबा के हम लिखते हैं ताकि वो दूसरे वाले उसके ऊपर आ जाए अपने जो लेयर होता है ना कार्बन का तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर उसके लिए होता है क्या है उसकी टाइप दो टाइप है डॉट मेट्रिक्स एंड डेजी व्हील अगेन दीज आर नॉट यूज इन इन दिस टाइम एनी मोर देखेंगे कभी कुछ गवर्नमेंट एक्चुअली एयरलाइंस आई विल टेल यू डॉट डॉट विल्स स्टिल यूज इट जब आएगी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा उसका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉट यूज फिजिकल फोर्स ये सारे जो प्रिंटर है उसके अंदर कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है उसको कोई धक नहीं लगता है जोर से कुछ ठोकना नहीं पड़ता है ये इम्पैक्ट के अंदर पीछे से धक लगता है उसका ठीक है नग्जाम्पल दी हुई है ट्रैक्टर फैट कंटिन्यूस एंड शीट फैट और पेपर फैट ठीक है ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर है ना ये है शीट फैट प्रिंटर ये क्या है कि ये रेगुलर प्रिंटर है इसके अंदर से एक, एक 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 पेज निकलेगा आप देख रहे हैं एक पेज एट बाय एट एंड हाफ बाय एलेवन का होता है ना तो वो सिंगल सिंगल पेज आपका निकलेगा पर जो दूसरा जो है इट्स कॉल्ड ट्रैक्टर फैट प्रिंटर ये परफोरेटेड Uh, होता है ये इस पूरी एक लंबी जैसे कपड़े का थान होता है ना क्या पूरा लंबा थान होता है ये वैसा है ये ये पूरा पेपर का रोल होता है थप्पी के अंदर आता है और ये जो साइड में जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना ये, ये ये दोनों साइड में होते हैं ये प्रिंटर ये डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर है फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिंटर के अंदर एक व्हील लगा हुआ होता है उस व्हील के अंदर कांटे होते हैं जैसे नहीं साइकिल के अंदर चेन जिसके ऊपर चढ़ी हुई होती है कांटों पे ये ऐसा ही है आप इसको समझ लें चेन है ये और उसके ऊपर घूमता है और ये पेपर आगे जाता है आगे जाता है और रिबिन उसको प्रिंट करता रहता है और वो आगे जाता है मैंने आपको बोला था कि ये एयरलाइन में यूज़ होता है तो ये एयरलाइन में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि एयरलाइन वाले जो है ना पायलट को जब ये लोग अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं उसकी आ, के प्लेन की लॉग्स प्लेन की जो लॉग्स होती हैं वो इसी चीज़ के ऊपर प्रिंट होती है वो इन्होंने अभी तक एडवांस नहीं किया है काफ़ी एयरलाइंस थे अभी शायद दुबई में मोस्ट लाइकली एडवांस हो गया होगा आई यूज टू वर्क फॉर नॉर्थ वेस्ट डेल्टा एयरलाइंस और वहाँ पे इवन uh, 2008 और 9 के अंदर स्टिल ये यूज़ हो रहा था एंड अभी भी मैं जाता हूँ तो आई का आई सीरीज प्रिंटर्स ओवर देर फैक्टर्स फॉर इवेल्यूरिंग प्रिंटर्स इनिशियल कॉस्ट हमें देखनी पड़ती है टोटल कॉस्ट टू ओन टी कॉस्ट ऑफ सप्लाइज इंक कितनी महंगी होगी टोनर स्पेशल पेपर जो हम वो ट्रैक्टर uh, फीड uh, वाला पेपर लें वो कितना महंगा होता है उसकी स्पीड डिले बिफोर प्रिंटिंग स्टार्ट ये जो डिले बिफोर प्रिंटिंग स्टार्ट है डिपेंड्स ऑन द मेमरी कितनी बड़ी मेमरी इतनी जल्दी प्रिंटिंग एंड पेजेस पर मिनट ये सब फैक्टर्स जाते हैं वो डिसाइड करने में कि भाई आप कौन सा प्रिंटर बाय करें फिर उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है इन अगर बजट कम है देन यू नो यू कैन गो विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर फैक्टर्स फॉर इवेल्यूएटिंग प्रिंटर्स विद प्रिंटर प्रिंट क्वालिटी इट्स यूजली मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच विच इज़ ऑल्सो कॉल डी पी आई और रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन होती है ना प्रिंटिंग की ये वो है जितने ज्यादा डॉट्स इतनी क्लियर पिक्चर थ्री हंड्रेड डॉट्स जैसे बड़े 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 डॉट्स हैं तो आपकी जो प्रिंट प्रिंट होगी वो बहुत ही पिक्सल एरिड होगी वो क्लियर पिक्चर नहीं होगी पर सिक्स हंड्रेड डी की जो पिक्चर होगी ना वो बिट मोर क्रिस्पियर होगी इससे ज्यादा ट्वेल्व हंड्रेड डी की होगी ना वो उससे भी ज्यादा हाई डेफिनेशन प्रिंट प्रिंट होगी आपकी सो द हायर द डी पी आई दैर द इमेज क्वालिटी सिंपल एज ओके दूसरा हमें ये भी इवेल्यूएट करना पड़ता है कि कौन से इंटरफेस पे वो काम करेगा पैरल ये पैरल पोर्ट जो है अब यूज नहीं होता है यू एस बी पे काम करे कि नेटवर्क पे काम करे नेटवर्क प्रिंटर्स भी आते हैं उसकी पेपर ट्रे कितनी नंबर ऑफ शीट्स कितनी पेपर श, आ, आ, एक साथ हम डाल सकते हैं उसकी ट्रे के अंदर क्योंकि वी डोंट वांट टू हैव बार बार उसको पेपर डालो वो ट्रैक्टर फैड हो या शीट फैड हो ट्रैक्टर फैड अब कोई नहीं लेता है यूजुअली शीट फैड जो सिंगल सिंगल शीट्स आती हैं यू गेट दैट एंड एक्स्ट्रा रैम होनी चाहिए ताकि आप बड़ी से बड़ी जॉब कर सकें तो अगर आप घर के लिए ले, ले रहे हैं दैन इंक जेट शुड डू बट इंक जेट की इंक ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है एल जो लेजर प्रिंटर होते हैं उसकी उसकी इंक सस्ती आती है और वो ज़्यादा टाइम चलती है टाइप्स ऑफ प्रिंटर टेक्नोलॉजी सो डेजी व्हील ये ऑप्सलीट है पर इसका थोड़ा सा मैं बात करूँगा हाउ इट वर्क्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर थर्मल एंड वर्चुअल ये थर्मल एंड वर्चुअल ये don't get used in um, it does not get used in residential and it's only being used in some commercial commercial thermal especially up on government may use with daisy wheel printer okay so here daisy wheel printer right? the earliest type of printer now long obsolete no one uses it anymore it's a rotating wheel containing all the characters for a font ये जो व्हील दिख रहा है आपको इसके ऊपर ए बी सी डी ई e, एफ जी लेके सारे अल्फाबेट्स और नंबर्स और पूरे राउंड ये पूरा है ये उसके अंदर लिखे हुए हैं इसके अंदर ट्रैक्टर फैड पेपर लगता है ये इम्पैक्ट से चलता है ये इंक रिबन लगी हुई होती है और सिर्फ एक ही कलर होता है और ये लाइन प्रिंटर कहलाता है लाइन प्रिंटर का मकसद ये है कि एक लाइन के अंदर एक 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 डेटा आए उसको प्रिंट करें दूसरा डेटा आए प्रिंट करें ये पूरे डेटा को सेव नहीं करता है और ये है ऐसे ऐसे ये काम करता है अब आप ये समझ लें कि माउस एग्जैक्टलीउस वर्किंग ओके तो ये रिबिन है ये जो ये आप देख रहे हैं Hold on, there's some issue. Uh, just give me one minute, guys. I will uh, cut this part out. Seems like uh, probably updates are running at the same time. तो ये जो है ये रिबन है ओके ये रिबन के ऊपर ये सोल जो है ये पीछे से उसको उसको ऐसे रिबन को ऐसे ठोकता है ठीक है और ये जो ये जो पंखे जैसी जो चीज़ लगी हुई है ना उसके ऊपर अल्फाबेट्स लगे हुए हैं और वो आगे उसको ठोकता है रिबन के अंदर जो है ना कलर होता है सिंगल कलर होता है वो पेपर के ऊपर जाके चिपका देता है वैसे ये प्रोसेस बहुत जल्दी 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 होता है और वो वो जो भी है प्रिंट होना शुरू हो जाता है आप जो भी डालते हैं बट अगेन ये इसकी स्पीड इट्स इट्स नॉट दैट फास्ट एंड दिस इज ऑप्स लीड आप ये दिखे देखेंगे भी नहीं आज के ज़माने में ठीक है सो डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर इट्स इम्प्रूव ऑन डेजी व्हील बाई मेकिंग मल्टीपल फोन्स पॉसिबल लेटर्स फॉर्म बाई मेटल पिन इट्स ऑल्सो इंक रिबिन ट्रैक्टर फैड है ये भी इट्स एन इम्पैक्ट सिंगल कलर ही कर सकते हैं और लाइन प्रिंटर ये भी लाइन प्रिंटर कहलाता है अब इसके अंदर देखें ये काम कैसे करता है ये आप देख रहे हैं जो डॉट डॉट है देखिए कांटे जैसा ये पेपर के जो जो सुराख हैं ये उसके अंदर जाते हैं और ये गोल 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 घूमता है दिस इज कॉल्ड पेपर इज पुल थ्रू विद गेयर्स एंड स्प्रॉकेट्स गेयर्स एंड स्प्रॉकेट्स है ये ये गोल गोल घूमता है पेपर ऊपर जाता रहता है ये जो है ब्लू पर्पल जैसा पीस इट्स अ पिन ऑन प्रिंट और एस कंपाउंडेड सो ये जो जो कांटे लगे हुए हैं ना ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाते हैं अंदर बाहर अंदर बाहर बेस्ड ऑन कि कौन सा अल्फेबेट इसको टाइप करना है अगर टी टाइप करना है तो जो देखिए दो जो बाहर निकले हुए हैं ना सिर्फ वो बाहर निकलेंगे डॉट 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 टाइप करके वो खाली टी बनाएगा तो ये जो जो हेड दिख रहा है ना पर्पल वाला ये सारे अल्फाबेट्स एंड सारे न्यूमेरिक uh, ये इसी से प्रिंट होता है खाली इसका फंक्शन क्या है ये जो ये जो लाइनें लगी हुई ना ये जोर जोर से पेपर पे ठोकेगा और ये पीछे रिबन लगी हुई होती है और रिबन से इसके बीच के अंदर रिबन है ये जो ये जो ये दिख रहा है ना ये ये रिबन है वो ठोकेगा और रिबन उसका इंक पेपर के ऊपर ट्रांसफर करेगा दैट्स इट्स सिंपल एज दैट सो इट्स इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अब अब अगेन ये वाला प्रिंटर भी इतना यूज होता नहीं है बट एयरपोर्ट में भी हो रहा है ये यूज सम एयरपोर्ट्स, ठीक है इंक जेट प्रिंटर हम सबने देखा है आज की तारीख में इट्स अ लिक्विड इंक बाय नोजल्स इन द प्रिंटर हेड, ए बबल जेट। इट्स अ शीट फैड इट्स अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इट मल्टी कलर आप कलर में भी डाल सकते हैं एंड इट इज अ लाइन प्रिंटर जो जो आप पहले आई जो डेटा पहले आया उसको प्रिंट करता रहता है तभी आप देखेंगे इंक प्रिंटर के अंदर ना थोड़ा पेपर प्रिंट करेगा थोड़ा करेगा फिर दूसरा करेगा वो पेपर करके पूरा निकलेगा एक्चुअली लाइन प्रिंटर बिकॉज़ वो पीछे से जॉब आती आता जाता है और वो उसको प्रिंट करता रहता है सो हाउ डज इट वर्क इट स्प्रेज टू फॉर्म द इमेज बबल जेट प्रिंटर ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर स्प्रेड एंडलम्स प्रिंटेड तो ये स्प्रे करता रहता है बेस तो उसको पीछे से क्या डेटा मिलता है और वैसी वैसी वो इमेज उस पेपर के ऊपर छापता रहता है पार्ट्स ऑफ एन इंकजेट प्रिंटर सो उसके अंदर प्रिंटर हेड लगा होता है विच इज और एन इंक कार्ट्रिज जो कि नेक्स्ट में आएगा हेड कार्ट्रिज बेल्ट एंड स्टेपर मोटर पेपर फैड पेपर फीड मैकेनिज्म पेपर जो खींचता है कंट्रोल इंटरफेस एंड पावर सर्किटरी So inkjet uh, printer contains fewer parts than dot matrix. Those so parts come. That's why it's also a little bit more efficient than um, dot matrix. This print head cartridge <coughs> uh, these, see, these are cartridges. Okay. They spray the ink in small droplets onto the page. Many times uh, the print head is part of the ink cartridge, which contains a reservoir of ink, and the print head is a removable package. इसको हम निकाल सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं ये कलर जो चार कलर होते हैं वो इंक्लूड करते हैं विच इज़ मैंने पहले मेंशन किया सायन एंड येलो एंड ब्लैक ये ब्लैक की अलग से कंटेनर आती है और आ, जो पिंक दिख रही है इसके अंदर तीन चैम्बर्स होते हैं ये एक इंक के अंदर तीन चैम्बर्स होते हैं जो कि सायन एंड मजेंटा एंड येलो इस पिंक के अंदर ही होता है When done printing, the head moves to a maintenance station, usually on one end, and contains a small suction pump and ink-absorbing pad. तो ये जो आपको जहाँ पे ये दिख रहा है ना ये ये इसको maintenance station है जब printing खत्म हो जाती है ना तो एक side पे आके move हो जाती है और उसके पीछे एक है ना sponge लगा हुआ होता है जो क्योंकि ये spray कर रही कर रहा होता है ना तो उसमें droplets कभी भी गिर सकते हैं तो बहुत ही अंदर mess होता है तो यहाँ पे इस station पे इन्होंने एक स्पंज लगाया होता है वो सब जब्स करना शुरू कर देता है कभी कभी आप देखेंगे आपकी जॉब के अंदर कि ये प्रिंटर के जो हेड्स हैं वो बीच में अटक जाते हैं वो ये मेंटेनेंस मेनटेन पे आते ही नहीं है एंड इफ दैट इज द मैन्युअली मूव इट विदाउट ब्रेकिंग इट और यू हैव टू रीसेट द प्रिंटर स्टेपर मोटर ये है इसकी स्टेपर मोटर जो बेसिकली द स्टेपर मोटर एंड बेल्थ मेक्स द प्रिंट हेड कैरिज मूव तो ये जब रोटेट करता है ना तो प्रिंट हेड का जो कैरिज है ना जो वो जो जो, एम, जो इंक मैंने अभी बताई वो साइड बाय साइड जो मूव करती है ना जल्दी जल्दी इसका काम ये है ये उसको वो मूव करता है ओके okay, अब ये जो है ये पुली है यहाँ पे ठीक है अंदर ये छोटी सी लगी हुई है वाइट और ये जो है ये है अपना स्टेबलाइजर बार इसको स्टेबल करता है और ये है बेल्ट जिसके ऊपर वो आ, आ, इंक घूमनी चाहिए सो टू कीप दिंट द पेज द कैरियज रेस्ट ऑन ए स्मॉल मेटल स्टेबलाइजर बार तो जो स्टेबलाइजर बार है ना उसके ऊपर वो रेस्ट करता है ताकि वो अलाइंग रहे और स्टेबल रहे और पिंक उसकी जो स्प्रे वो पूरे पेज, है। वो पूरे पेज है। वो है तो वो के ऊपर ना जाए वो अलाइंग रहे तो सही तरह से उसकी होगी ये के ऊपर होती रहती है वो देन कैरियज बेल्ट इज ड्रिविन बाय दैरियज मोटर एंड मूव्स द प्रिंट द पेज वाइल प्रिंट्स इसके ऊपर जैसे मैंने बोला लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट जाता है बहुत तेज और उस उस पे वो स्प्रे करता रहता है and then it prints the page.

ये जो तीन बड़े व्हील दिख रहे हैं आपको तो ये वन और ये बीच में लगा हुआ है और ये पिकअप रोलर्स हैं इस ये उसको पेपर आप डालते हैं तो उसको पिक करता है और जो, जो राइट के ऊपर है सेपरेटर पैड्स ये उस पेपर को सेपरेट करता है क्योंकि यू डोंट वांट द इंटायर पूरी की पूरी थप्पी ना आ जाए ना एक एक पेपर आए तो उसके हिसाब से सो द पेपर फीड मैकेनिज्म पिक्स अप पेपर फ्रॉम द पेपर ड्रॉअर एंड फीड्स इट इनटू द प्रिंटर फर्स्ट आर द पिकअप रोलर्स विच आर सेवरल रबर रोलर्स विद ए स्लाइटली फ्लैट स्पॉट दे रब अगेंस्ट द पेपर एज दे रोटेट एंड फीट द पेपर इन टू द प्रिंटर वो रब करते हैं और वह एक पेपर को उठा लेते हैं सेपरेटर पेर जो है इट हेल्प कीप द रेस्ट ऑफ द पेपर इन प्लेस सो दैट ओनली वन शीट गोज इन टू द पेपर ठीक है ना सेपरेटर का ये काम है ताकि एक ही शीट जाए पूरी थप्पी ना जाए चली जाए लेकिन कभी कभी आप प्रिंटर की डायग्नोज करेंगे उसके अंदर आप देखेंगे प्रिंटर जाम हो गया है तो प्रिंटर जाम हो जाता है तो आपको पीछे का ये सब खोल के देखना पड़ता है उसके तो अंदर दो पेपर एक साथ चले जाते हैं कभी कभी ऐसे भी होता है दिस इज़ नॉट हंड्रेड परसेंट इफेक्टिव सिस्टम थिंग्स ब्रेक सो दो या तीन पेपर अगर ये एक साथ खींच लेगा तो आपका पेपर जाम हो जाएगा जो आगे प्रिंट नहीं होगा एंड देन वो आपको पूरा खोल के वो पेपर को मैनुअली निकालना पड़ेगा सो इट कीप इन माइंड के पेपर डू गेट जैम्ड ये है पेपर ट्रे जो ये नीचे का जो सेक्शन दिख रहा है ना ये इसके अंदर हम पेपर डालते हैं और ये जो है पार्ट ये बेसिकली उस पेपर को बराबर से पुश करके रखता है ताकि वो पेपर इस रोलर जो है यहाँ तक पहुँच जाए क्योंकि रोलर तक अगर वो पेपर पहुँच जाते हैं देन रोलर उसको पकड़ के खींच लेगा ऊपर ये है पेपर फीड सेंसर ये जो डंडी है ना ये है सेंसर एक्चुअली सॉरी ना ये डंडी नहीं ये वाली नीचे वाली इसका काम क्या है जब आप पेपर डालते हैं ना तो ये खाली दब जाती है डंडी जैसे वो डंडी दब जाती है पेपर को आ, प्रिंटर को पता चल जाता है कि पेपर है आप पेपर नहीं डालें और इस डंडी को दबा के कि किसी किसी भी चीज़ से दबा देंगे ना प्रिंटर समझेगा कि पेपर है हाँ प्रिंटर इज़ डम ओनली नोज़ वट यू टेल दैम तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आ जाती है प्रिंटर समझता है पेपर है पर पेपर नहीं होता है या तो प्रिंटर समझता है कि पेपर नहीं है पर पेपर आपने डाला हुआ होता है तो ये दिस इज द कॉज ठीक है ना सो दीज द प्रिंटर व्हेन इट इज आउट ऑफ पेपर एज वेल एज व्हेन ए पेपर जैम हैज है ड्यूरिंग द पेपर फीड प्रोसेस ये उसका काम ये है ठीक है कंट्रोल इंटरफेस इन पावर सर्किटरी सो प्रिंटर कंट्रोल सर्किट्स एंड पावर सर्किट्स

उस सर्किट बोर्ड का काम है पावर सर्किट जो है इट कन्वर्ट्स पावर फ्रॉम ए सी टू डी सी यूजली ट्वेल्व एंड फाइव पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि वो जो आते हैं आउटलेट के अंदर से 110 वोल्ट आता है प्रिंटर जो है 110 वोल्ट पे नहीं चलता है एक्सेप्ट वो 110 करता है पर जो है उसको उसकी पावर को रिड्यूस करके एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करके 12 वोल्ट या 5 वोल्ट पे चलाता है जो भी प्रिंटर की ज़रूरत है लेजर प्रिंटर ठीक है ना वट इज लेजर प्रिंटर सो सॉलिड टोनर डिस्पेंस बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट इज अ शीट फैड मीनिंग वो सिंगल सिंगल शीट होती है आर आर दिस इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इट्स कम्स इन सिंगल कलर एंड मल्टी कलर ब्लैक वो जो मोनोक्रोम होते हैं मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर ओनली ब्लैक एंड वाइट एंड देन कलर प्रिंटर भी आते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ए पेज प्रिंटर ये पूरा का पूरा पेज एक साथ प्रिंट करता है आप जब पेज निकलेगा ना तो एक धड़ाक से निकल जाएगा पेज वो थोड़ा 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 लाइन लाइन नहीं निकलेगा बिकॉज ये सारी पेज की इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में स्टोर करता है और फिर उसको पूरे पेपर पे छाप देता है सो द टोनर कार्ट्रिज होल्स टोनर ब्लैक कार्बन सरफेस मिक्स विद पॉलिएस्टर रेजनस वो जो मैंने बताया था ना पाउडर वो टू फ्लो बैर एंड आयरन ऑक्साइड टू मेक इट सेंसिटिव टू लाइट

इसकी मैं थोड़ी देर में आपको एग्जाम्पल भी दूंगा बट ड्रम के थ्रू जब वो पेपर जाता है ना वो इमेज ड्रम से पेपर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है हीट के थ्रू वो ड्रम है ना गर्म होना शुरू होता है एंड देन पेपर जो है वो उसके ऊपर चिपक जाता है अभी कभी कभी आपके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि इसका भी पेपर स्टक हो जाएगा ठीक है पर इसमें होता क्या है जो ड्रम है था ना होता है ना उसके अंदर वो मेमोरी ने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी सेंड कर दी होती है पर पेज वहाँ तक पहुँचा नहीं होता है बिकॉज इट स्टक तो कभी आप उसको खोल के देखेंगे ना तो ड्रम के ऊपर आपको इमेज दिखेगा और वो इमेज जो है ना बेसिकली जैसे पुराने जमाने में हम वो कैमरे के अंदर पिक्चर खींचते थे उसके अंदर नेगेटिव जो आते थे ना फिल्म नेगेटिव फिल्म आती थी ना तो आप कैसे लाइट के अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये ड्रम एग्जैक्टली द थे सेम थिंग बस ये हीट हो रहा है पर वो इमेज उसके ऊपर छपता है ठीक है टोनर कार्ट्रिज इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक कार्ट्रिज कार्टरेज विच इज ई पी ये उसका साइड व्यू है um, यहाँ पे लगती है बेसिकली टोनर ठीक है ये डिवेलपर रोलर ये दो रोलर एक एक रोलर तो है पेपर खींचता है दूसरा जो प्रिंट ड्रम है ये इसके ऊपर वो पूरी पूरी, पूरी आ, आ, इमेज जो है वो छपती है वो पेपर उसके थ्रू यहाँ बीच में से निकलता है दो रोलर के बीच में से और वह गर्म होता हुआ यहाँ ऊपर से निकलता है इट शुड कम आउट आइदर दिस वे और साइड व्यू के थ्रू या तो फिर ये जो चार्ज कोरोना सेमी ना वहाँ के ऊपर के थ्रू निकल सकता है ये जो इन्होंने बताया है दिस इज दिस इज वेरी ओल्ड इट माइट बी अ लेजर प्रिंटर बट लेजर प्रिंटर अभी जो पिछला जो, जो, जो बताया था ना दैट प्रोबली समथिंग न्यू okay so laser printing uh, process process what is it? first step um, has two steps it receives the image and creates the image computer sends the print job via usb or wire or wireless and then the printer creates the print job producing an output laser printer prints a horizontal strip at a time same concept as dot matrix known as scan line or raster line ज टू अप्लाई दर्फेसें ड्रम द चार्ज इज अबाउट नेगेटिव सिक्स हंड्रेड वी डी सी वोल्ट तो इसके अंदर जो है स्टेप वन क्लिनिंग होती है जब ये उसके थ्रू जाता है एट खाइंड ऑफ

के ऊपर छपना शुरू हो जाता है होपफुली इसकी नेक्स्ट में एग्जाम्पल होगी लेट मी सी राइटिंग एंड डेवलपिंग इसके अंदर राइटिंग लेजर माइनर इमेज टू ड्रम डेवलपिंग ओके सो स्टेप थ्री जो है उसके अंदर एक्सपोजेस द ड्रम टू द इमेज बाय टर्निंग ऑन द लेजर विच स्कैस द ड्रम ठीक है ना ये लेजर ऑन हो जाती है एंड स्कैंस द ड्रम ये देखे ड्रम के ऊपर देखे ना आप कुछ लिखा हुआ है ये ये लिखा है ना देखिए उल्टा लिखा हुआ है ये इट्स लाइक अ मिरर इमेज आप मिरर में खड़े होके कुछ अल्फाबेट्स लिखेंगे देखेंगे तो उल्टा दिखेगा ये सेम कॉन्सेप्ट है बट जब वो प्रिंटर पेपर, पेपर पे छपेगा तो आपको सीधा दिखेगा सो दैट्स द स्टेप थ्री अ पैटर्न ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया इज फॉर्मड रिप्रेजेंटिंग द इमेज ड्रम के ऊपर आ जाता है वो फिर स्टेप फोर के अंदर टोनर इज ट्रांसफर टू द एरिया दैट वर एक्सपोज्ड इन द राइटिंग स्टेप A metallic developing roller inside the cartridge acquires charge which attracts toner. The roller continues to roll until the developed image is ready to be transferred. तो पूरा जो रोल आपका जो ड्रम है उसके ऊपर वो पूरा रोल होता रहता है नेगेटिव चार्ज लगता रहता है और पूरा का पूरा जो पेज है वो उसके ऊपर आ जाता है एक ड्रम के ऊपर एक पेज आता है वो जैसे ही पूरा पेज कंप्लीट हुआ क्विकली प्रिंटर पेपर के ऊपर छाप देता है फिर दूसरा पेज वो गोल गोल घूमता रहता है और ये प्रोसेस बहुत तेज़ होता है गोल घूमता है सेकंड पेज पूरे ड्रम के ऊपर आ जाता है पेपर पास होता है पेपर के ऊपर सारा का सारा वो डेटा चिपक के फिर नेक्स्ट पेज शुरू हो जाता है स्टेप जो है ट्रांसफरिंग फ्यूजिंग एंड क्लीनिंग स्टेप फाइव में क्या होता है कंट्रोलर नोटिफाइज द रजिस्ट्रेशन रोलर पेपर शुड बी फेड थ्रू टू बिगिन कोरोना अप्लाइज पॉजिटिव चार्ज टू पेपर विच कैन नाव पुल टोनर फ्रॉम द फोर ड्रम बिकॉज पेपर एंड टोनर हैज़ पॉजिटिव चार्ज तो ये देखेंटिव पॉजिटिव चार्ज का ही पूरा काम है अब फिफ्थ स्टेप के अंदर वो जो है कंट्रोलर पेपर को नोटिफाई करता है कि भाई ड्रम के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ गई है अब तुम पास होना शुरू हो पेपर को जैसे पेपर पास होता है ड्रम जो था नगेटिव चार्ज था अब उसको पॉजिटिव चार्ज के अंदर फोरोसेंसिटिव जो है ड्रम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर देता है तो जो ड्रम का ऊपर जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो पेपर के ऊपर छपना शुरू हो जाती है फिर स्टेरिक इलिमिनेटर स्ट्रिप्स विच रिमूव ऑल चार्ज फ्रॉम द पेपर दिस कीप्स पेपर फ्रॉम अट्रैक्टिंग इट सेल्फ टू टोनर कार्ट्रिज एंड कॉजिंग अ पेपर जैम तो जो स्टेरिक इलिमिनेटर स्ट्रिप है यहाँ पे इन्होंने पिक्चर हाँ ये ये जो है ना ये एक सेकेंड ये जो ब्लू वाली है ये राइट हीय इसका काम ये है कि जो है वो रिमूव करता है पेपर को एंड इट मेक श्योर दैट उसके ऊपर से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो ख़त्म हो रहा है अदरवाइज इससे क्या होगा अगर ये नहीं होगा ना तो ये पेपर जो है वो ड्रम के ऊपर ही चिपक जाएगा और ड्रम के ऊपर चिपक जाएगा इस ये भी आपको कभी कभी एरर आएंगे कभी कभी पेपर जो है रोल ड्रम के ऊपर रोल हो गया होगा फिर वो भी आपको खींच के निकालना पड़ेगा यूजुअली ओल्ड लेजर प्रिंटर के अंदर ये कॉमन चीज़ है

जब वो पेपर बाहर निकल जाता है तो एक रबर ब्लेड जो होती है ना इनसाइड वो टोनर को स्क्रैप करती है जो ड्रम के ऊपर है ना कभी कभी एक्स्ट्रा वो आ, पाउडर लगा हुआ होता है वो उसको साफ़ करती है फिर ये उसको वापस इलेक्ट्रो स्टेरिक चार्ज सेंड करता है तो ड्रम के ऊपर जितना भी वो चिपका हुआ होता है ना वो उसको रिलीज़ कर देता है इसी ड्रम को अगर आप लाइट में एक्सपोज कर देंगे ना तो उसके ऊपर जितना भी आ, चीज़ होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी सेम कॉन्स वो जो कैमरे का मैंने आपको बताया तो इसके अंदर भी ऐसे ही है अब ये ये तो प्रोसेस है जो हमने अभी एक्चुअली हमने अभी इसकी बारे में बात की जो मैंने अभी बताया no, um, है आपको शायद याद करनी पड़े लाइक like, uh, क्योंकि uh, ये एग्जाम में आ सकता है नेगेटिव 600 हंड्रेड वी डी सी जो है वो चार्ज करता है ड्रम को सेम ने uh, पॉजिटिव चार्ज लगता है फिर उसको कोरोना वायर डर ट्रांसफर स्टोनर फ्रॉम ड्रम टू पेपर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है यही काम है बस पॉजिटिव होता है तो पेपर भी ट्रांसफर हो जाता है फिर वापस नेगेटिव होता है तो जो लेजर प्रिंट पेंट्स है इमेज ऑन ड्रम इन एरियाज आर लोअर्ड तो फिर ये वापस नेगेटिव चार्ज होता है तो ड्रम के ऊपर से जो सारा इमेज uh, होता है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है तो ये यू नंबर दैर ओके रियल लाइफ के अंदर यू एक्चुअली अच्छा जी Um, थोड़ा सा समरी है ये ये भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है इसके अंदर uh, इंक जेट जो इंक प्रिंटर, um, uh, प्रिंटर रिबन लगती है इंक जेट के अंदर लिक्विड और लेजर के अंदर टोनर पेपर फीड की टाइप्स थोड़ी अलग अलग है जो डॉट मैट्रिक्स है उसके अंदर ट्रैक्टर फीड जो कि वो सलंग होता है पूरा पेपर वो लगता है

कुछ जोर जोर से पीछे से ठोक नहीं रहा होता है डॉटमेट्रिक्स कम्स ओनली इन वन कलर विच इज ब्लैक इंक जैट जो है ठीक है ना थर्मल प्रिंटर्स इट्स यूज इन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स एंड ओल्ड कहा ना ये दिस इज नॉट यूज इन ऑल एरियाज बट पॉइंट ऑफ सेल जो होता है ना जब हम मैकडॉनल्ड जाते हैं कुछ लेने और वो जो जिसके ऊपर वो लोग रजिस्टर होता है ना दैट्स दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल दैट्स अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल उसमें जो स्कैन गन होती है ना दैट्स अ थर्मल प्रिंटर वेल यू यू स्कैन इट एंड देन इट प्रिंट्स सो टाइप 1 जो है इट यूजेस स्पेशल वैक्सी पेपर व्हिच इज हीट सेंसिटिव पेपर और जो रसीदी निकलती है अपनी

हम हम जाते हैं मैकडोनल्ड्स या डंकी डॉनल्स या किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में चले जाए आपने अपना कार्ड स्वाइप किया वो रसीद जो निकलती है वो रसीद जो निकलती है एस थर्मल प्रिंटर और वो प्रिंट कैसे करता है वो स्पेशल पेपर होता है उस वो जो प्रिंटर की जो छोटी सी मशीन होती है ना उसके अंदर ना तो कोई इंक होती है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है वो पेपर के अंदर इंक होती है बिकॉज ये पेपर है ना वो आ, हीट जो लगती है ना उससे उसके ऊपर वो ब्लैक छपना शुरू होता है और उसकी एग्जाम्पल क्या है थोड़े टाइम के अंदर देखेंगे वो इंक आपकी निकल भी जाती है आप कितने टाइम उसको तो सन में रखोगे ना वो खत्म हो जाएगी इसमें ये है दूसरी आती है एक आ, आ, रिबिन वाला प्रिंटर इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अभी भी आता है एक कैलकुलेटर आता है बड़ा जॉइंट साइज कैलकुलेटर और उस कैलकुलेटर के अंदर एक पेपर होता है जो आप कोई भी बटन दबाएंगे ना तो वो पेपर पेपर प्रिंट करेगा वो छोटा छोटा सा कैलकुलेटर वो प्रिंट करेगा वो जो प्रिंट कर रहा है ना ये रिबन के थ्रू कर रहा है तो उसकी मैं मुझे याद दिलाईगा मैं आपको बाद में उसकी एग्जाम्पे बता दूंगा ठीक है वर्चुअल प्रिंटिंग वोट इज दैट वेरी इजी इट सेंस द डिजायर्ड आउटपुट टू अ फाइल दैट्स ऑल अभी तक जो हम प्रिंट कर रहे थे वो हम प्रिंटर से सॉफ्ट सॉफ्टवेयर था ना पीछे से सॉफ्टवेयर आया उसको हमने हार्ड कॉपी में कन्वर्ट किया जो हम महसूस कर सकते हैं हाथ में वर्चुअल क्या है के पीछे से जो भी डॉक्यूमेंट आया उसको हमने वर्चुअल के अंदर ही डाल दिया विच इज लाइक पी डी डॉक्यूमेंट हो गया या वर्ड हो गया आ, हम इसकी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको तो वर्चुअल प्रिंटिंग एक्चुअली राइट um, right? <coughs> तो देखें जैसे कि ये है ये एक डॉक्यूमेंट है वर्चुअल प्रिंटिंग क्या है मैं पे जहां पे जाऊंगा एन ईफ आई कैन क्लिक ऑन प्रिंट ठीक है ना अभी तो इसमें कोई प्रिंटर नहीं है बट वट आई कैन डू इज आई कैन क्लिक आई कैन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पी डी एफ ये वर्चुअल प्रिंटिंग है ये करेगा क्या मैं इसको प्रिंट करूँगा ना तो ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा ये प्रिंट नहीं करेगा ये देखिए मुझे बोल रहा है कहाँ सेव करना है और ये देखिए पी डी एफ के अंदर सेव होगा तो दिस इज़ वर्चुअल प्रिंटिंग ठीक है और जो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था ये जो है ना ये है वो रिबिन वाले प्रिंटर प्रिंटर नहीं कैलकुलेटर तो काफ़ी जगह कॉमन होंगे आई मीन आई नो पीपल आर स्टिल यूजिंग इस ये छोटा छोटा सा बॉक्स खुलता है उसके अंदर छोटी सी रिबिन लगी हुई होती है दैट्स ऑल ठीक है ना वेरी सिंपल प्रिंटर इंटरफेसेस, सीरियल इंटरफेस होता है लेगेसी पैरल ये दो अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं ये तीन अभी भी यूज़ होते हैं यू एस बी इथरनेट एंड वायरलेस ठीक है यू एस बी इज़ रेगुलर यू एस बी कनेक्शन ईथरनेट वो इंटरनेट का वायर लगा के आप नेटवर्क प्रिंटर बना सकते हैं वायरल जो है आप वायरलेसली इसको प्रिंट कर सकते हैं आप अपने प्रिंटर को अपने राउटर से कनेक्ट कर लें वायरलेसली प्रिंट

PostScript drivers, which is developed by Adobe for professional typesetting. Graphic device interface with GDI monitors and printers. It is a series of components that govern how images are presented to both monitors and printers. GDI printer works by using computer processing power instead of their own. The printed image is rendered to a bitmap on the computer and then sent to the printer. तो जी डी आई जो है वो ऐसे काम करता है बेसिकली वो प्रिंटर जो है द कंप्यूटर की जो बैंड प्रोसेसिंग पावर होती है ना वो यूज करता है अपनी खुद की यूज नहीं करता है बट इट्स इट्स जस्ट द ड्राइवर्स इंस्टॉलिंग अ प्रिंटर ड्राइवर इन विंडोज विंडोज सो रिफर्स एज ए प्रिंटर यू कैन हैव मोर देन वन ड्राइवर इंस्टॉल फॉर द सेम प्रिंटर रिजल्टिंग इन मल्टीपल प्रिंटर्स इन विंडोज फॉर अ सिंगल यूनिट iski uh, i think the example is this one right here um, ah, sorry run the add wizard printer or you can add the printer how we do that let's take a look real quick we will go to control panel or we can go directly to the printers and devices too t-k you go to uh, devices and printers you can click on add printer and yabbi batares all the printers and from this point forward all you need to do is just basically click on it and then click next and then it should prompt you certain things and then it will install printer install because i'm in a different location so बेसिक प्रोसेस ठीक है ना Installing, uh, installing and sharing local printers. सबसे पहले तो अटैच द डिवाइस यूजिंग लोकल यूएसबी पोर्ट या पैरल या कनेक्ट एंड कनेक्ट द पॉवर यूएसबी लगाएं या पैरल लगाएं या नहीं काम होता आता है इस, इस अब यू एस बी मोस्टली सो आप यू एस बी कनेक्ट करें और पावर कनेक्ट करें द इंस्टॉल एंड अपडेट द डिवाइस ड्राइवर एंड कैलिब्रेट कैलिब्रेट द डिवाइस इंस्टॉल करें उसके ड्राइवर्स अपडेट करें और उसको कैलिब्रेट करें कैलिब्रेट से मतलब ये यह है यहाँ पे कि जब नया प्रिंटर आप इंस्टॉल करते हैं ना तो मेक श्योर दैट इट्स कैलिब्रेटेड विच मीन वो सब अलाइंट है उसकी एक एक, एक तो कन्फिग्रेशन में जाएंगे ना तो एक कैलिब्रेशन आएगा एक ऑप्शन वो करेंगे ना एक दो मिनट लगेंगे उसको तो कैलिब्रेट करने में तो प्रिंटर की जो तो इंक्स है वो बराबर अलाइन हो जाएंगी कन्फिगर एंड ऑप्शन सेटिंग्स सेटिंग्स एंड प्रिंट टेस्ट पेज करें वेरीफाई कम्पेबिलिटी विद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन एजुकेट यूजर्स अबाउट बेसिक फंक्शनैलिटी वेरी सिंपल है ये सब चीज़ आपको चाहिए होंगी आप किसी कस्टमर का, का प्रिंटर इंस्टॉल करने जाएंगे यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स यू आपको उसको प्लग इन करना पड़ेगा ड्राइवर नंबर टू पे ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके ऑफ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी दैन सब हो गया तो आपको टेस्ट करने का कि पेज बराबर प्रिंट हो रहा है कि नहीं फिर उसके बाद ये पेज हो गया फिर आपको यू ऑल्सो मैंने वेरीफाई कि ये सिर्फ एक ही विंडोज़ में चलेगा कि दूसरे सारे विंडोज़ में भी चल सकता है जब हम शेयरिंग के ऊपर आएंगे ना देन यू विल सी हाउ वी शेयर थ्रू अ सर्वर एंड हाउ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन शेयर दैट सेम प्रिंटर तो दैट वाई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो के कम्पेरिबिलिटी है केनी एंड यूजर एजुकेशन इज ऑलवेजरी नेटवर्क प्रिंटर्स इंटीग्रेटेड प्रिंटर सर्वर वर्सिसप्रेट हार्डवेयर प्रिंट सर्वर इंटीग्रेटेड प्रिंट सर्वर प्रिंट सर्वर क्या है इसमें दो ऑप्शन हैं ओके पहला काफी कंपनीज के अंदर एक सेंट्रल सर्वर लगा हुआ होता है उसको वो प्रिंटर सर्वर भी बोलते हैं वो सर्वर का काम यही होता है वो सिर्फ सारी जितनी भी पूरी कंपनी की प्रिंट जॉब है ना वो उस सर्वर के ऊपर आती है और फिर वो सर्वर इस प्रिंटर को भेजता है तो वो, वो जो सर्वर है प्रिंट सर्वर वर्क्स लाइक अ मैन इन द मिडल। वो अगर सौ कंप्यूटर हैं वो सारे सौ कंप्यूटर इस, इस सर्वर से कनेक्ट होंगे और वो सर्वर जो है प्रिंट सर्वर फिर उस वाली जॉब को जिस वाले भी प्रिंटर में होगा उसमें सेंड करेगा अब उस प्रिंट सर्वर के ऊपर आप चाहें तो पाँच छः सात दस अलग अलग प्रिंटर एक ही सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं इफ या तो फिर आप सेपरेट हार्डवेयर प्रिंट सर्वर कर सकते हैं विच इज लाइक यू नो जैसे आ, आ, जो आ, प्रिंटर होते हैं ना उसके अंदर भी नेटवर्क कार्ड लगे हुए होते हैं अगर आप चाहें तो सौ कंप्यूटर्स हैं उसको डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू उस प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं वो सब प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह मैं करूंगा इफ़ अ प्रिंटर इज केपेबल ऑफ कनेक्टिंग डायरेक्टली टू अ नेटवर्क इट हैज़ द एबिलिटी टू बी इट्स ओन प्रिंट सर्वर देखा जैसे मैंने बोला अगर प्रिंटर है वो खुद ही नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है देन आप सारे हंड्रेड जितने भी कंप्यूटर हैं डायरेक्टली उस प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ वायर हाँ या एज लॉन्ग एज वो सौ कंप्यूटर जो हैं आपके या जितने भी कंप्यूटर हैं अगर आपके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो आप इस प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं दैट्स कॉल्ड नेटवर्क प्रिंटिंग कनेक्ट अच्छा अब ये कैसे करते हैं इसमें बोल रहे हैं कि भाई कनेक्ट द प्रिंटर टू द नेटवर्क एंड पावर ऑन फिर कंफ्यूगर द प्रिंटर विद एन आई पी एड्रेस इफ इट नॉट ऑलरेडी हैव वन मोस्ट ऑफ द प्रिंटर में आप नेटवर्क के उनका वायर लगाएंगे तो वो डी एच सी पी के ऊपर कन्फ्यूगर होता है अगर आपको याद हो हमने डी एच सी पी पहले रीड किया था वो डायनेमिकली आई पी असाइन कर देता है तो अमूमन प्रिंटर्स में आप अगर उसके अंदर नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है और आप इथन कार्ड लगाएंगे अपने राउटर से तो वो राउटर उसको ऑटोमेटिकली एक आईपी इशू कर देगा फिर विंडोज सेवन हो या टेन हो जो भी वहाँ पे जाके आप ये ऐड प्रिंटर का आ, बटन दबा सकते हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया एंड देन चूज़ एड एंड नेटवर्क वायरलेस और ब्लूटूथ जो भी हो एंड देन कनेक्ट द प्रिंटर अगेन ये वाली मोर प्रैक्टिकल के अंदर मैं ने आपको नेटवर्क प्रिंटर पे ऑनलाइन बताऊंगा फिफ्थ स्टेप ऑन द नेक्स्ट दिस्टम लेट इट सर्च और यू कैन स्टॉप एंड क्लिक तो ये बेसिकली स्टेप बाई स्टेप आपको बता रहा है आपको क्विकली इसका मैं बता देता हूँ देखिये मेरे पास मोर्थिंग यहाँ पे बोल रहे दी एड्रेस सही है ओके okay. ये भी सही है ओके okay. तो देखें भाई बेसिकली इतने सारे जो पेजेस में ये लोग बता रहे हैं ना देर ओनली सेंग दैट क्लिक ऑन हियर तो ये विंडो आ जाएगी अब ये तो प्रिंटर मुझे शो कर रहे हैं इसमें तो कोई भी प्रिंटर मेरे नहीं है <laughs> ये सारे प्रिंटर पता है किसके हैं <laughs> ये ब्लूटूथ के ऊपर प्रिंटर उठा रहे हैं क्योंकि ये लैपटॉप है ना तो ये ब्लूटूथ के ऊपर जो अड़ोस पड़ोस के प्रिंटर है ना ये वो हैं मैं चाहूँ तो इन प्रिंटर को हैक कर सकता हूँ इन ये इन लोगों को पता नहीं है कि प्रिंटर के ब्लूटूथ ऑफ रखने चाहिए बट नहीं है मैं नहीं करता तो खैर ये प्रिंटर है ठीक है अभी ये लोग जो इसके अंदर बताए ना कि आप ऐसे कह सकते हैं कि द प्रिंटर दैर आई वॉन्ट इज़ नॉट लिस्टेड इस पर आप क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन दे, दे देगा आपको अब यहाँ पे आपके पास आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं अगर आपको आपके प्रिंटर की आईपी ऑलरेडी पता है तो आप यहाँ पे डाल दें देखिए ऐड अ प्रिंटर यूजिंग एन आईपी एड्रेस और होस्ट नेम आप नेक्स्ट करेंगे And then you just enter your printer IP address. Whatever it is. I don't know. I'm just putting it like Printer Whatever IP Is IP? And then you hit next. If I hit next, then nothing will Because there is no printer. exist. exists. But when you hit next. And if it does detect a printer at this. It will um, uh, ask you for a driver. That I'll give me driver. Then the driver will install the driver. And then you are ready to go. But in this case, we do not have it. So that's not going to work. अभी आप प्रिंटर काम नहीं कर रहा है आपका फॉर एग्जाम्पल और आपको आपको रिमूव करके नए सिरे से उसको इंस्टॉल करना है तो फिर आप कर सकते रिमूव करें प्रिंटर को सेट डिफॉल्ट प्रिंटर जो है वो आपका अलग चेंज हो जाएगा इसको मैं आपको बताता हूँ अभी और व्यू ड्राइवर प्रॉपर्टीज़ इससे क्या मुराद है इनकी मैं ये बताता हूँ आपको देखें बेसिकली ये बोल रहे हैं कि देखें ये प्रिंटर्स हैं ये देखें ये सारे जो आ, आ, ये ये ऑफलाइन प्रिंटर्स है बिकॉज ये इसके जो इमेज हैं थोड़े ब्लरी हैं और लिखा हुआ भी ऑफलाइन और ये देखें डार्क है विच मीनस आर ऑनलाइन बट ये ये सारे वर्चुअल प्रिंटर हैं देखें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पी है ये सारे वर्चुअल प्रिंटर हैं और बाकी के ये सारे जो प्रिंटर हैं ये ऑफलाइन है अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अब ये जो सेवन का प्रिंटर है फॉर एग्ज़ाम्पल लत से हमें नहीं चाहिए एनी मोर तो आप इस पर क्लिक करके यू कैन डू रिमूव ड्राइव डिवाइस ठीक है एंड देन जस्ट रिमूव इट ये हो गया बट इसका ड्राइवर रिमूव नहीं हुआ है इसका ड्राइवर कैसे रिमूव करने का तो आप किसी भी प्रिंटर पर क्लिक कर दें और फिर आप जाएँ प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज़ प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे ना तो यहाँ पे ड्राइवर्स के सेक्शन में देखिए कितने सारे ड्राइवर्स हैं और ये पुराने पता नहीं कौन कौन से डर कैनन का देखें आपको यहाँ पे प्रिंटर भी नहीं दिखेगा कहीं पे पर कैनन के ड्राइवर भी हैं देखें है ना तो आप जाके इसको रिमूव करें रिमूव ड्राइवर एंड ड्राइवर पैकेज आई डोंट नीड इट रिमूव यस डिलीट देर ये गो दूसरा कैनन आई डोंट नीड इट रिमूव यस डिलीट ओके ये भी डिलीट हो गया कैन एम एक्स भी नहीं है यू कैन डिलीट ऑल ऑफ दिस अभी मैंने उस सेवन का रिमूव किया तो सेवन का भी ड्राइवर होगा इधर कहीं पे ये सेवन का एक्चुअली यही है रिको एंड सेवन इज द सेम ड्राइवर ओके हाँ यही है तो आई कैन जस्ट गो एंड रिमूव दिस तो बेसिकली दिस इज़ हाउ यू रिमूव ड्राइवर बिकॉज समटाइम्स क्या होगा ना कि अगर आप ड्राइवर रिमूव नहीं करेंगे ना और आप प्रिंटर रिमूव करके नया प्रिंटर भी इंस्टॉल करेंगे ना फिर भी नहीं चलेगा आपका प्रिंटर बिकॉज ये गलत ड्राइवर्स कभी कभी इंस्टॉल हुए होते हैं ना यहाँ पे तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम ठीक है ना So, let's close this. I have removed a lot of drivers. Apple's Bonjour service. What is this? Bonjour was designed to enable automatic discovery of devices and services on local networks using TCP IP. ये एप्पल ने एक सर्विस क्रिएट की थी विद विद नेम कॉल बॉन्जोर आप सर्विसेज में जाएंगे ना अपने टास्क मार्क के अंदर तो काफ़ी दिखेगा आपको ये बॉन्जोर की सर्विसेज पीछे रन कर रही होगी उसका काम क्या है इट ऑटोमेटिकली डिस्कवर्स दी द लोकल नेटवर्क यूजिंग टी सी पी आई पी जो कोई भी नेटवर्क पे डिवाइस होगा ना उसको वो आइडेंटिफाई करता है इट डिस्कवर्स प्रिंटर्स एंड डिवाइसेस ऑन द लैंड लैंड नेटवर्क के ऊपर जितने भी डिवाइसेस और प्रिंटर्स हैं ये सर्विस डिस्कवर कर लेती है It works with other operating system as well. So Mac OS, uh, Windows can be In Windows, it, uh, you can access it this way, services.mcmsc to list the service. Apple's AirPrint, Bonjour cannot find systems on the other side of the router. Works on single broadcast domain.

ठीक है और फिर आप कहीं भी भी चले जाओ रिमोटली जैसे आप आ, अपने घर पे नहीं बैठे हुए हो आप किसी और स्टार बक्स में हो अब आप आपको स्टारबक्स बक्स से प्रिंट करना है आपके घर में कैसे प्रिंट करोगे तो आप स्टार बक्स से वो एच बेसिकली कुछ भी प्रिंट करेंगे ना ये क्लाउड प्रिंटिंग वो सारा डेटा सेंड करेगा एच के क्लाउड में फिर वो एच जो है क्लाउड से आपके घर के प्रिंटर पर सेंड करेगा प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपका जो प्रिंट है ना इट बिकम्स ए गेट वे फॉर फॉर मेजर अटैक्स विच मीन्स आप अगर लेट्स से एच में कुछ भी होता है या गूगल क्लाउड प्रिंट में व एवर वो आपका जो प्रिंटर के ऊपर जो पोर्ट है ना वो बाहर कम्युनिकेट कर रहा है विच मीन्स आई कैन स्कैन योर पोर्ट एक्सटर्नली ऑल्सो एंड देन आई कैन रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन इट तो ये इट्स नॉट रेकमेंडेड फॉर बिजनेस एट ऑल घर के लिए आई नो पीपल यूज इट बट स गेट विच फ्रीक्वेंटली कम्स विद्लिनिंग सोल्यूशन लेजर प्रिंटर को वैसे तो एक ऑप्शन होता है अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ uh, में जाके उसको क्लीन करें ना तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वो चार्ज uh, करता रहता है और ड्रम क्लीन हो जाता है अमूमन उससे पूरा होता नहीं है दैन देर वो किट भी बनाते हैं एक पूरी वो आप किट बाय करें उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि यू नो रोलर जो होता है पूरा उसकी क्लीनिंग की जाती है नए रोलर्स भी देते हैं आप पुराने फेंक के नए रोलर डाल दें रिप्लेस द ड्रम क्लीनिंग पैड देते हैं तो उन्हें कार्टरेज आप चेंज कर सकते हैं सो मल्टीपल ऑप्शन अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देन यू वन आ गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप टू मेक श्योर कि यू हैव एलिमिनेटेड द पॉसिबिलिटीज अगर बिकॉज हमेशा सस्ते से स्टार्ट करने का महंगे पे नहीं जाने का सबसे पहले तो सस्ती कोई चीज़ से आप एयर जो होता है ना एयर कैन उससे थोड़ा एयर मार के देखें कुछ भी फंसा होगा वो निकल जाएगा आपको ड्रम वरम रिप्लेस करने की इमीडिएटली जरूरत नहीं बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव दीज आर कॉस्टली आइटम्स इंग प्रिंटर मेंटेनेंस कैसे होता है चेंज इंग कार्टरेज दैट्स और रन प्रिंट प्रिंटर्स क्लीनिंग सीक्वेंस इसके अंदर भी एक होती है क्लीनिंग सीक्वेंस आती है ऑप्शन के अंदर वो पूरा प्रिंटर हेड्स को साफ करेगा और जो लाइन्स आती है ना प्रिंटर के ऊपर उसको भी अलाइन कर देगा बट कभी कभी ये काम नहीं करता है देन एट दैट पॉइंट यू हैव टू वो जो रॉड मैंने आपको बताई थी ना जिसके ऊपर वो इंक लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट जाती है फिर वो खराब हो सकती है या उसकी मोटर खराब हो सकती है इंक जेट्स आर आर प्रोन टू तो गेट बैड देन लेजर ओके इंश्योर सूटेबल इन्वायरमेंट कैसे इन्वायरमेंट में हमें रखना चाहिए uh, ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए ओजोन तो हमीन घर के अंदर कोई केयर नहीं करता है बट ऑबियसली यू इट आउटसाइड इन द सन यू नो सो हीट लेजर प्रिंटर्स कैन जनरेट अलार हीट सो इनश्योर दैट इट इज़ प्रॉपरली वेंटेड ह्यूमिडिटी जो है हाई ह्यूमिडिटी कैन कॉज प्रिंटर पेपर टू स्टिक टुगेदर चिकनाट होती है ना ह्यूमिडिटी बेसमेंट के अंदर यूजली ह्यूमिडिटी होती है सो मेक श्योर एरिया ह्यूमिडिटी ना हो वहाँ पर एक्सपोजिंग द ड्रम टू लाइट क्विड रूइंग द ड्रम अगर ड्रम को आपने पूरा एक, एक, एक काफी प्रिंटर्स के अंदर आप ड्रम निकाल सकते हैं इजीली वो आ, कार्ट ड्रम का एक यूनिट आता है उसके अंदर ही कार्टरेज लगती है ब्रदर के प्रिंटर में यूजली तो ड्रम को आपने निकाल पर लाइट पे डाल दिया तो आपका ड्रम बेसिकली खत्म हो गया वो इट डजेंट वर्क प्रॉपरली प्रिंट क्यू ये प्रिंट क्यू क्या है इट्स अ विंडो विच एवरी जॉब यू प्रिंट इट स्पूल्स ओवर हियर और ये ये पे ये ये देखें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है पहले चैप्टर 18 जो भी है इसकी पूरी साइज है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन के बी और ये अगर लेज़र प्रिंटर पे जा रहा है लेक्समार्क ऑप्ट्राम नाट शोरफ इट्स अ लेजर प्रिंटर और वर्ड बट ये अगर लेज़र प्रिंटर है तो ये पूरी की पूरी जो जॉब है ना सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन के बी तक पहुँचेगी तब जाके वो प्रिंट होगा बिकॉज रिमेंबर इट्स नॉट अ लाइन प्रिंटर इट्स अ पेज प्रिंटर सो दैट्स द डिफरेंस जब तक से ये थर्टी फोर पॉइंट टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन के बी नहीं बनेगा तो वो वो प्रिंट शुरू होना शुरू नहीं होगा ओके मैनेजिंग अ प्रिंट क्यू इसका इसका मैं पड़ता नहीं मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली करना कैसे है ओनली थिंग इज मैं प्रिंट क्यू शायद ऑन ना कर सकूं बट आ okay, गया चलें ये प्रिंटर देख लें ये है ना ऑफलाइन है इसके अंदर कुछ होगा नहीं बट सी वॉट प्रिंटिंग ये वही विंडो है जो इन्होंने बताई थी आ, ये प्रिंटर क्यू की विंडो इसके अंदर कुछ है नहीं अभी बिकॉज़ ये प्रिंटर ऑफलाइन है मैं उसमें कुछ डाल नहीं सकता हूँ बट ये बेसिकली क्यू है इसके अंदर आपको लाइन सारे प्रिं, प्रिंट जो आप दिखेंगी और इसी के अंदर आपको इसका स्टेटस भी दिखेगा अगर स्टेटस के अंदर लिखा हुआ है कि फेल्ड और एरर या जो भी और उसके सारे जो नीचे जो प्रिंट जॉब है वो भी स्टार्ट भी नहीं हुई है दैट इज कॉल्ड प्रिंट जॉब स्टक प्रिंट जॉब है वो आपकी स्टक हो गई है सो सबसे और ये इट कम्स फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के तौर पे जो टॉप के ऊपर होगी वही सबसे पहले प्रिंट होगी तो अगर वही फंस गई है तो आपको उसको राइट right क्लिक करके क्लियर करना पड़ेगा कैंसिल ऑल प्रिंटिंग या कैंसिल ओनली दैट स्पेसिफिक प्रिंटिंग हाँ वो आप करेंगे तो अगर वो क्लियर हो जाएगी तो फिर उसके नीचे के जो पेज है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे Yeah, you'll come across these type of problems a lot Yeah print jobs get stuck all the time it's a very common issue okay managing a print queue okay so i just went over that troubleshooting printing problems stall queue pause and resume queue after deleting job with error um आप उसके ऊपर बटन होता है प्रिंटर के ऊपर आप पॉज एंड रिज्यूम कर सकते हैं पॉज करके जो मैंने अभी क्यू बताया उसमें से आप रिमूव करें एंड देन रिज्यूम द जॉब सो देन इट विल रिज्यूम टू द नेक्स्ट जॉब दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट जंक कैरेक्टर्स इन प्रिंट आउट पावर ऑफ प्रिंटर क्लियर क्यू पावर पावर प्रिंटर ऑन एंड एंड ट्राई अगेन इफ प्रॉल परसन रीसल ड्राइवर ओके कभी कभी क्या होता है कि प्रिंट आप करते हैं ना तो उसके अंदर जिब्रिश लिखा हुआ आता है कोई मशीन लैंग्वेज आ जाएगी आप बोलेंगे मैंने इंग्लिश प्रिंट किया था ये मशीन लैंग्वेज क्यों आ रही है ये इसका जो मेन कॉज जो होता है ना ये प्रिंट ऑफ ऑन करने से कुछ नहीं होता है इसका जो मेन है ना प्रॉब्लम वो है ड्राइवर का वो अमूमन आप और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत इशू है इसके अंदर विंडोज इलेवन विंडोज़ टेन के अंदर अगर आपने उसके प्रॉपर ड्राइवर नहीं डाले हैं तो जो आप डेटा सेंड करेंगे ना बाय द टाइम वो प्रिंटर को पहुंचेगा वो इंग्लिश में नहीं पहुंचेगा वो किसी और में पहुंचेगा बिकॉज ड्राइवर जो है वो इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इट प्रॉपरली तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर ड्राइवर समटाइम्स री इंस्टॉलिंग द ड्राइवर डज हेल्प ओके पेपर जैम फैन पेपर बिफोर इंसर्टिंग इन ट्रे चेक फीड रोलर्स चेक फॉर ऑब्सट्रक्शन इन साइड इज बिट्स ऑफ पेपर छोटे छोटे पेपर भी कभी कभी टूट के फटके अंदर लटके हुए होते हैं एंड यूज डिफरेंट वेट ऑफ पेपर पेपर के अंदर डिफरेंट वेट्स आते हैं थिकनेस आती है तो अगर एक हल्का पतला जो पेपर होगा ना वो अमूमन फटेगा और जाम ही हो जाएगा तो मेक श्योर कि आपका बराबर पेपर हो जब वो रोलर्स उसको पुल करे तो फट ना जाए सो दैट्स वॉ दे आर टॉकिंग अबाउट कि फॉर पेपर जैम जस्ट लुक फॉर बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ पेपर इनसाइड या पीछे का आप दरवाजा खोल के वहाँ पर भी पेपर स्टक होता है यू कैन जस्ट पुल देर आउट Illegal operation or general protection fault. Pause and resume print queue. Restart computer. Remove and restart print driver. Same mm hai. -hmm. Kabhi a problem aayega. Usme it error It's an illegal operation or general protection fault. Wo ek error To ye bhi driver ka issue But uh, restarting the computer. They're saying that might issue solve the problem too. Laser quality problem. Print out faint in some spot. शेक अच्छा इसके अंदर कभी कभी ए, प्रिंट लेज़र प्रिंटर की बात हो रही है ओके प्रिंट हो जाएगा पेज एक साइड पूरा काला होगा दूसरा सफ़ेद होगा या एक जगह की इंक बहुत अच्छी होगी एक जगह की कम होगी तो अमूमन उसके अंदर जो टोनर होती है ना वो खाली होने वाली होती है तो आप हिलाएंगे थोड़ी सी शेक करेंगे फिर डालेंगे तो सही हो जाएगी प्रिंट पे तो एक दो तो दिन के बाद वापस वही प्रॉब्लम होगा तो जस्ट चेंज द टोनर यू नो और लूज और स्मियर टोनर इसमें क्या होता है कि पे पेपर के ऊपर एक स्मियर्स जैसा आना शुरू हो जाता है लाइक जैसे ए अल्फाबेट ए मुझे प्रिंट करना है तो वो ए बहुत खिंच जाएगा या मुझे कोई पिक्चर प्रिंट करनी है कीबोर्ड मैंने प्रिंट किया है तो कीबोर्ड जो है ना बहुत खिंचा हुआ आएगा तो ये ये है ना जो फ्यूज़ होता है ना फ्यूजर उसके अंदर प्रॉब्लम होती है बिकॉज इट्स नॉट हीटिंग प्रॉपरली प्रॉब्लम वर्टिकल वाइज स्ट्रीक्स इट्स डर्टी करोना वायर्स ये कोरोना वायरस होते हैं ना जो जो पेपर पेपर जब बाहर जाता है वो पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करता है उस वाले वायर की बात कर रहे हैं यू कैन क्लीन इट विद द एयर आल्सो एंड दैट हेल्प्स और अ प्रॉपर माइक्रोफाइबर क्लॉथ इंक जेट प्रॉब्लम स्ट्राइप्स और वन कलर मिसिंग क्लीन इंक जेट यूजिंग प्रिंटर्स यूटिलिटी प्रिंटर की यूटिलिटी है वो आप रन करें द इंक्स रन प्रिंटर सेल्फ टेस्ट उसके अंदर एक दूसरा ऑप्शन भी होता है यू कैन डू सेल्फ टेस्टिंग वो एक के दो मिनट लगते हैं वो पूरा टेस्ट रन करेगा और वो एक आपको प्रिंट पूरा पेज करेगा उसके अंदर बताएगा कि यहाँ 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 या ये प्रॉब्लम है कलर्स आर ऑफ अलाइनमेंट रन प्रिंटर्स अलाइनमेंट यूटिलिटी ये अगर अलाइनमेंट ऑफ है ना आप मैन्यली इसको ठीक नहीं कर सकते हैं ये आपको उसकी यूटिलिटी ही चलानी पड़ेगी बट कभी कभी यूटिलिटी चलाने के बाद भी वो फिक्स नहीं होता है देन यू हैव टू ऑप्शन वन यू मैन्यूली अलाइंग इट विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल बिकॉज वो जो रॉड होती है ना उसके ऊपर यू हैव टू अलाइंग इट इन यू यू की नॉट अलाइंग इट बिकॉज आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस टाइम के ऊपर ये कहाँ होनी चाहिए सो इन मोस्ट केसेज यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द प्रिंटर याट्स वन इशू विद्जर्स बिकॉज वो जो मूविंग पार्ट है ना दैट कॉजि प्रॉब्लम प्रिंटर अपग्रेड प्रिंटर को अपग्रेड करना हो तो हम ज़्यादा मेमोरी इंस्टॉल कर सकते हैं चाहें तो उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं अमूमन तो लगे हुए आते हैं सो यू डोंट हैव टू डू दैट अपग्रेडिंग प्रिंटर फर्मवेयर उसका जो ओएस होता है फर्मवेयर वो उसको अपग्रेड कर सकते हैं उसके अंदर कभी कभी हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है वो अपग्रेड कर सकते हैं उसके जो फीडर्स जो ट्रे की जो फीड होती है जिसमें पेपर जाते हैं यू कैन अपग्रेड दैट फिनिशर्स जो जो फ्यूजर्स एन होते हैं आप उसको अपडेट कर सकते हैं बट यूजुअली कोई करता नहीं है बिकॉज जो प्रिंटर आता है यू जस्ट यूज दैट और यू बाय अ गुड प्रिंटर फ्रॉम द गेट गो ठीक है सो दिस इज वेअर आवर चैप्टर इलेवन एंड ठीक है और वट आई वॉन्ट टू शो यू क्विकली मीन जस्ट डबल चेक मैं आपको क्विकली एक नेटवर्क प्रिंटर बता देता हूँ वो आप देख लें कि व्हाट इट लुक्स लाइक देखिए ये जो है ना ये है इंकजेट प्रिंटर है ठीक है इंकजेट प्रिंटर जो है वो भी नेटवर्क उसके अंदर कार्ड लगे हुए आते हैं और उसको कैसे लगते हैं आई ए शो यू इफ़ आई कैन फाइंड ए पिक्चर चलिए कोई भी ले लें ले आप प्रिंटर ये बेसिकली लेजर प्रिंटर है इसके पीछे वो ने, नेटवर्क के कार्ड लगे हुए होते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड ए पेज प्रिंटर पूरा का पूरा, पूरा पेज एक साथ प्रिंट होता है और इंक जेट प्रिंटर जो है लुक्स लाइक दिस दीज आर इंक जेट प्रिंटर्स छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर छोटी इंक लगी होती है विल um, से अगर आप पिक्चर uh, प्रिंट कर रहे हैं लाइक like, um, पोस्ट कार्ड के ऊपर पिक्चर प्रिंट कर रहे हैं आई विल रेकमेंड इंक जेट प्रिंटर बिकॉज ये इंक होती है आप लेजर ले, कलर लेज़र के ऊपर भी वो पोस्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं लेकिन अगर आप नाखून से हल्के से उसको ऐसे ऐसे करेंगे ना वो इंक निकलना शुरू हो जाएगी बिकॉज वो पोस्ट कार्ड जो बने होते हैं ना दे आर मेड फॉर इंक जेट लेज़र के भी आते हैं पेपर्स बट दे आर नॉट एज गुड ठीक है तो ये बेसिकली इंक जेट प्रिंटर हो गया तो यहाँ पे आई डोंट थिंक आई हैव एनी थिंग एल्स टू शो यू Do you नीथिंग इन टर्म्स ऑफ showing? I showed you the print heat. हाँ ये देख ले, हाँ एक चीज इन्होंने बताया था services. डॉट एम वो क्या है जब वो हम डालते हैं ना तो ये एक विंडो आती है मैंने बेसिकली ये टाइप किया है so आप you guys know ये इन्होंने कवर किया था रन के अंदर मैंने टाइप किया सर्विसेज डॉट एम सी एम एस सी ये जितनी भी सर्विसेज जो अभी कंप्यूटर पे रन कर रही है ना ये वो है अब इसमें से हम हमें ढूँढनी है आ, प्रिंटर की सर्विस तो मैं कहीं पर भी क्लिक करके पी दबाऊँगा ना तो मुझे मिल जाएगी प्रिंट स्पूलर रेरा ये प्रिंट स्पूलर जो है इट इट शोज़ दीज प्रिंटर्स नाउ इफ आई स्टॉप इट सर्विस मैंने स्टॉप कर दी तो देखें ये मैं रिफ्रेश करूंगा दिस विल नॉट बी हियर दिस शुड डिसअपीयर नॉट नॉट श्योर बट द द थिंग इज ये प्रिंट स्पूलर अगर ऑफ है ना तो ये आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो अमूमन क्या होता है कि लेट्स से आपकी कोई जॉब स्टक हो गई है ये देखिए नहीं हो रहा है ठीक है ऑपरेशन को ना भी कम्पलीटेड तो टेक्निकली ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बट इट्स एक्चुअली नॉट हियर इट्स नॉट रिफ्रेशिंग प्रॉपरली बट ये प्रिंटर अभी नहीं है ये कुछ भी नहीं दिखना चाहिए आपको तो देखिए बोल रहा है द लोकल प्रिंटर स्पूलर सर्विस इज नॉट रनिंग प्लीज री द स्पूलर और री द मशीन तो कभी कभी पेपर जाम पेपर की जो क्यूज़ होती है ना यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर तो क्यूज़ जो स्टक हो जाती हैं उसको वहाँ से आप क्लियर डिलीट 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 करेंगे वो नहीं होगा तो उसका दूसरा तरीका ये है आप सर्विसेज़ में आके प्रिंट स्पूलर को ऑफ़ करें एंड देन टर्न इट बैक ऑन रिफ्रेश एंड यू गो बैक टू दैट एंड देन उसको आप क्लियर करें देखिए आ गया ना तो दैन यू कैन डू दैट इज वन ऑप्शन देर इज सो मैनी डिफरेंट वेज टू डू दिस देर इज और डीपर रजिस्ट्री में भी जाके कर सकते हैं बट दैट कैन लिव रिमोर एडवास तो चलें हम यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर अलेवन एड करते हैं इन शह चैप्टर ट्वेल्व कंटिन्यू करेंगे मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो इफ़ यू हैव मैनी क्वेश्चन प्लेस इड इन द चैट और अगर आपके पास एनी और एनी रिक्वेस्ट है टू मेक ए डिफरेंट वीडियोज़ मेक श्योर टू सबमिट दैट इन दी चैट चैट और कमेंट सेक्शन इज वेल